मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने इंजन ऑयल के डीजल टैंक में स्कीम लगाकर डीजल चोरी के मामले का भंडाफोड़ किया है। इस मामले पुलिस ने टैंकर चालक को आरोपी बनाकर पूछताछ तो शुरू कर दी है, जो इंजन ऑयल के टैंकर से डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करता था। थाना नारगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोटला बहादुर निवासी दिनेश जी टिप्पण जो पेट्रोल पंप के संचालक है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि इंडियन ऑयल डिपो बांगरौत जिला रतलाम से उन्होंने कल एक टैंकर जिसमें डीजल बुलवाया था, वो अनलोड करते समय उन्होंने एक बाहर से एक इंस्टॉल की हुई छोटी मोटर जो कि टैंकर से फ्यूल टैंक को कनेक्ट कर रही थी, डीजल सप्लाई होते हुए उन्होंने चिट करते हुए पकड़ा है। उनका कहना है कि जो हमें पूरा डीजल सप्लाई नहीं हुआ है और ड्राइवर ने अपना फ्यूल टैंक से अपना फ्यूल टैंकर की सप्लाई कनेक्ट कर ली है, जिससे उनको नुकसान हुआ है और उनका चिटिंग हुई है। इस रिपोर्ट पर धारा 3420 और 379 के मामला दर्ज किया गया है और मामले में टैंकर को जब्त किया है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि वो कब से और कहाँ कैसे इस तरह की गतिविधियाँ शामिल रहा है। ऐसे और भी टैंकर हो सकते हैं? हाँ, ये चूंकि ड्राइवर कहना है कि मैं अभी कुछ दिनों से ही इसमें काम कर रहा हूँ, तो इस तरह के कोई ग्रुप में और भी जो अन्य टैंकर इसमें संलिप्त होंगे उनकी विवेचना के दौरान पता राशि करने का प्रयास करेंगे और जो डीजल या पेट्रोल पंप के संचालक है उनसे भी इस तरह की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, ताकि इस तरह की जो कोई गैंग हो या इस तरह का रैकेट्स हो उसको भंडाफोड़ कर सकें।